इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि गांव में भैंस चराने वाले नौजवान साजन लाल आज सुपरस्टार गायक बन चुके हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम विराजमान है और कहते हैं कि जब चाह सच्ची हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। अपने बचपन की प्यार को हासिल करने के लिए साजन मुंबई जा पहुँचे और अपने महबूबा को हासिल करने के जुनून ने उन्हें सुप्रसिद्ध गायक बना दिया। आज की लोकप्रिय गायिका रानी उर्फ कल्पना और साजन की सगाई बचपन में ही हो चुकी है और कल दोनों परिणय सूत्र में बन चुके हैं। हम उनके मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहन, हमारी बेटी के सासना माई बन के रखिया। चिंता मत करें, रानी के महारानी जैसा रखा, माई का कब्बों का मीना होके दे। चलो बेटा। देखी ना, राउर सपना बेटा पूरा कर देलास। रानी के बहु रानी बना के लिए भाऊजी, भले तू ये दुनिया में दुनिया खाती नहीं खा, लेकिन हमार दुनिया तो तोहरी से आबाद बा। हमके आशीर्वाद दे भाऊजी, ताकि जब तक ले दुनिया में हम रही तोहरा के जिंदा रख सके। तब पहले ये बताई कि बड़की माई हम कब बनब। तोरा से ज्यादा जरूरी तो हमारे बाबू जी। हाँ। चिंता मत करा, सौरी लिपे खाती तोरे को बुलाई। हाँ। सौरी के सौदा तैयार बा, जाई तरुआ है ना आई, तब ना हम जाई। का फुलौना बिना होए भरले फूल झूल गईलू। तनी एगो चुमा दा ना। पहले आँख बंद करी। अगर ते हमार दोस्त ना रहती ना तो प्राकृतिक से खिलवाड़ हो जाई। अच्छा, तो ई नाटक तोहरा दिमाग के फाटक से निकलल बा। अरे कुछ तो शर्म करी। हाँ, डोंट वरी, बेसरा मुर गेले सा। खोला तनी पियरी हाली दियरी बुताव, छोड़ा या न कानी रानी बहिया में आव। खोला तनी पियरी हाली दियरी बुताव, छोड़ा या न कानी रानी बहिया में आव। दुवारे बैठो जी बड़ी सोचाए दी अपना, पहले हो जाए दी अपना, लेडी करे दी पहले हो जाए दी।
जाई रात हाली कर शुरुआत हो मान जा तू बात दे दावा में हाथ हो बस में जवानी नहीं खे बुझा परेशानी मनवा न मानी जब ले काटब न चानी के साथे साथे नमकीनो भी तो जरूरी बा दरवाजा खुलल बा खुले द हमार काका खुलल बा तोहके पता बा ए बेटा आ दोनों अंगुरी हमार तुहार कुछ बताई एक पकड़ ले आ आ आ ए बेटा तू तो पकड़ ले हम बनूंगा साजन के चाय पानी वाला का ओके साजन जी आई एम योर बाय बेटा हाँ भाई जरूरत हो गए तो ननियों के काम पे लगा ला दो चार पैसा कमा लिए तो आदमी हो जाइए सर ठीक बा भाई ए चल खड़ा हो जाए खड़ा हो हेलो साजन जी की जय साजन जी की जय धूम मचा दे और धूम मचा दे का बताई साजन हमें कुछ सपना देखले रहली कि तू एगो बड़ सिंगर बनबा बन गेला अब हम फिर एगो सपना देखली कुछ बात पागल हो जाइबा अब कौन सपना देखले बनी तू फिल्म के बड़ सुपरस्टार बनबा और तो रखे हम बनाई तीन फिल्म के ऑफर एक साथ है यह एग्रीमेंट फॉर तीन फिल्म साइन करी अरे पहले साइनिंग तो दी साइनिंग हम दी हाँ। अरे हम रिश्लेत बाड़ी तोरा के हीरो बनावे खातिर अब पहला फिल्म में खाली 5 लाख और दूसरका में 10 लाख और तीसरका में 15 लाख तू हमरा के देबा तब न गोल्डन जुबली फिल्म बनाई और तोरा के सुपरस्टार बनाई नाम साजन कुमार से हो जाई जुबली कुमार डायरेक्टर साहब हाँ? लागत है सपना और पूरा ना हाँ? काहे एगो और बात अपने मेहरबानी के मेहरारू अपने कपार पर बैठा ला और फटाफट यहाँ से निकल जा और ना ही जान तरह का है तहार फिल्म हम बनाई दे डायरेक्टर गौरी शंकर के बेइज्जती हम तोरा के हीरो बनाओ के गोल्डन चांस ले गेल बारी साजन फिर से सोच ला बबुआ चाटू फाटू है ना देखा लो आयकर के उठा के जल्दी से जल्दी फेंका लो साजन साजन अपनी किस्मत में ठोकर मत मार दुआरे भाग चल के आ लो बहुत बचल गए बंसीलाल के एहसान तो अपन बेटी के दान दे के चुका देली लेकिन साजन के दिहल 6 करोड़ कैसे चुके एहसान एहसान बहुत खामोश होला वो अंदर अंदर इंसान के इतना खोखला कर देला
इंसान जिल्लत के मौत मरे पर मजबूर हो जाला। हसमुख जी, बेटी के आड़ में अपन हार गहच बहुत बनी। क्या कर सकेली? बहुत कुछ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ल। वक्त के नजाकत के समझी कल्पना, चूल्हा चौकी खातिर ना, एगो महान गायिका बने खातिर जन्म लेले बाड़ी, और उनका के शिखर भी पहुंचावे खातिर हम अपन सब कुछ दांव पे लगाती। बस राउर सपोर्ट चाहिए। कैसा सपोर्ट? जैसे श्री राम के भक्ति में हनुमान जी अपन शक्ति भुला के रहले, वैसे ही कल्पना साजन के प्यार में अपन कला और करियर दोनों भुला गई पड़ी। जाई जाई रवा याद दिलाई और कोयला से कोहिनूर निकाली। वादा करता नहीं, दौलत और शोहरत रुआ सिर पर है। माई लाई ना हम करब। ला। रहता तो रस ना हुई दाम रखे। जी प्रणाम। गर लगा बाबूजी। रउआ लोग बैठे, हम हलवा बना के लिए आते नहीं। बैठे जी। बैठे बैठे। माई कैसन बाड़ी बाबूजी? जब डाली से फूल टूट जाला ना, तो पौधा उदास और फुलवारी सुनसान हो जाला। बेटा साजन बाबू नहीं के लोकत गेल बानी, वही की शूटिंग खातिर गेल बानी। कितना अजीब बात हो, साजन बाबू गायक से नायक बन गया और तू गायिका से गृहिणी। अरे हम तोरा खातिर का सपना दिख ले रहनी। बाबूजी जवन सपना रवा हमरा खातिर सजब ले बानी, वही सपना हम साजन खातिर देख ले बानी। बाबूजी हमरा नजर से देखी राउर सपना जरूर पूरा हुई। बस फर्क इतना रही कि राउर बेटी ना दामाद पूरा करी है। बिटिया जब अपन खून बदरंग हो जाला तो दूसरे का खून पानी नजर आवेला। बिटिया हमरा के पूरा विश्वास बा कि हमार खून हमरा सपना के बदरंग न होने दे। तू हमार सपना जरूर पूरा करबो, काहे कि हम तोरा के हमेशा अपन बेटी ना बेटा समझ ले बानी। बिटिया हलवा तैयार हो गल है, संधि जी के लेके अंदर आवा। बैठी बाबूजी। हाँ बेटा। ले हलवा खाए भाई साहब, और इतने से काम ना चली, हम खाना बनाओ थे खाना खा के जाए। बाबूजी हम माई के हाथ बटाए खाते जाते नहीं। हमार बेटा एक दिन तोरा बेटी के अपन दुल्हन बना के ले जाई। बंसीलाल जौन हवा के तोहार परिवार अपने सांस का ताजगी समझता, वो दरअसल आंधी का झोंका है। और जौन दिन आंधी तूफान के रूप में बदली ना, तुहारी सपना का घरौंदा तिनका तिनका करके उड़ जाए, और तब तुहारी जीत हार में बदल जाए। भाई साहब कुदरत का खेल तो देखी भौजी, आज ही सब देख के जवान आदमी सबसे ज्यादा खुश हो वे हमने के बीच में देखे, शायद हमें हमरों को चुकल थी। नहीं भाई साहब ऐसे मत कही, होने के टाल सकेला। भौजी
हमरा के लागत बाकी बंती भैया हमरा से कहत बाटे की हमरा के अपने साथे ले चला हसमुख कुछ दिन तोरा साथे रहे का मन कर रहा था अगर राहुल इजाजत होके तब बंसी भैया के अपने घरे ले जाएगी भाई साहब जकरा खातिर दिल में इज्जत होला ओकरा लगे रहे खातिर केहू के इजाजत लेवे की जरूरत ना पड़ेला ले जाए पहले हमारा गिफ्ट फिर अंदर शिफ्ट का होता बढ़िया तो का होता रे भैया ताकत रहले की तू अपन गिफ्ट कैसे सिफ्ट करेला अगर गाड़िया के पेंट खराब भइल ल त तनी के चेहरा के डेंटिंग पेंटिंग बिगाड़ दे ओके आई सोरा खाली लड़त आलो हमरे बेटी के हर एक सुर साजन के रागला पता डोंट वरी हसमुख जी अब राग भी अपन हुई ताल भी अपन हुई और गई है कल्पना पैसा के पेड़ झारब हम और बटोरब आप कौशल जी जिंदगी का गाड़ी जब पटरी से उतर जाला ना तो आदमी आनहर हो जाए हसमुख जी हमारे पास दुगो ऐसन घोड़ा बाड़े सन जो देखे में गधा लागे लसन लेकिन जब दौड़ लगावे लसन तो कनी के जीत के लक्ष्य आनहर आदमी के भी दिखाई पड़े लगेला चिंता मत करी दौलत का राजगद्दी पर बैठ के राउर के शोहरत के अरमान भी पूरा हुई हमारा अरमान भी अधूरा ना रही रहल बात बंसी लाल के तो बंसी लाल के भी आत्मा हाय हाय करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कितना बढ़िया बाल बाल ने ज्ञान गुण सागर बहुत निक लगा था है ना माई हाँ बेटा अब बाबूजी के फोटो का भाई अरे बेटा वो कल तो हर ससुर जी आला ना तोरा बाबूजी का फोटो देख के उनके दोस्ती के जमीर जाग गेल घरे ले जाए कहना तो हम मना ना कर पौनी माना तो हम ना कर पाई थी माई लेकिन हमके विश्वास निखे हो राहुल विश्वास हम बानी जी वैसे भी बेटा जब पत्थर पिघले ला ना तो पारस बन जाला रुक जा फूल माला मत चढ़ावा बाकी स्वर्गवासी इंसान के फोटो पर तो फूल माला चढ़ावल जरूरी होला जी बंसीलाल तोरे नजर में मरल पड़ल वकील हमरा खातिर त वो आज भी चिंता पड़ल और जिंदा आदमी के तस्वीर पर फूल माला ना चढ़ावल जाला जब रिश्ता गहरा हो जाला तो इंसान की ऊंचाई और बढ़ जाला रिश्ता का गहराई तब और बढ़ जाई बंसीलाल जब हमार बेटी सुपरस्टार सिंगर बनके एक घर में आई नाइस लोकेशन आई भैया लगा था कि कोनो मोटान अबे सुन बकवास बंद कर और जाके मेहमान के अंदर लेके आ ओके जा सर
5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डाल दीजिएगा. ओके नमस्कार. ओके ओके हेलो 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 वेलकम. आई एम साधु साजन लाल लाल का सेक्रेटरी. अरे पाटू साजन लाल को पानी पिलाता है, बैग धोता है. ओके ओके नाइस नेम नाइस नेम. बच्ची बच्ची प्रणाम प्यास जी. पड़ा पड़ा बच्ची बच्ची. तू है सीट. हां तू है सीट. अजी हम प्रोड्यूसर दमदम तिवारी. जी जी जी. और हम डायरेक्टर यू नो बम बम बिहारी. फाटू आ जा मेहमान लोग खाती चाय नाश्ता लेकर. गुड नेम फाटू. तो रवो सब के फिल्म बनावे के बा भविष्य में तब बनावल जाए. तो एल्बम बनावे के होई. हाँ फिल्म के पहले तो एल्बम बनावे के ही पड़ी. अरे महाराज रोलिंग के करे के का बा. अब प्रोग्राम करे के बा. हाँ अच्छा, अच्छा, प्रोग्राम. लेकिन ब्याजी हमने के इच्छा रहला कि रउआ साथे अगर कल्पना जी गई थी तो बड़ा नीक हुई. देखिए शादी से पहले राउर जोड़ी हिट रहे और शादी के बाद भी राउर जोड़ी हिट रही. आई बात के क्रेडिट हमने के मिले के चाहिए. कहे कि शादी के बाद वाला पहला प्रोग्राम हमनी के सौजन्य से होता. अरे रवलुन तमरा मुंह के बात छीन लेनी. हम वो फैसला कर चुकल बानी कि बिना कल्पना के अपना जीवन के कोनो प्रोग्राम ना गई. जय हो जय हो. धमधम जी ई प्रोग्राम राउर बहुत स्पेशल होई. अच्छा ऐसे कि एगो ऐसा गाना बा जी जवन की हम पति पत्नी के प्रेम के कलम से रिश्ता के पन्ना पर लिखाई बा. जय हो. मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकेला पर अपने औरत का कामयाबी ना. सिर्फ हमरे बेटी के साथ गाय का फैसला करके तो हर बेटा पहला गलती कर चुकल है. अब चलती है ओकरे हौसला का हारमोनिया बच्चे. जन्म जन्म के हम साथी. जन्म जन्म के हम साथी. जन्म जन्म के हम साथी. जन्म जन्म के दिल में धड़के तोहरा ने के खुशबू से हमरो जीवन महके. बाग में डूबा फूल बा हमरा तोहरा नाम के. तू पिया भवना भर के हम है जगनी शाम के. तू हाउ प्यासी धरती हम बरखा सा साथी. जन्म जन्म के
मंजिल एक हमार, कौनो मोड़ पे आके जुदा न होई प्यार। कौनो भी मोड़ देखे तोहरा बिन जीवन के, हम है ना था कोपनी तुम हन मधुबान के। हम कंगन के सोना जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के, ए हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के। बहुत मजा आयल ना, हम तो बहुत खुश बानी। साजन जी, आज के तो प्रोग्राम देख के अनुमान लगावल मुश्किल बा कि भोजपुरिया दर्शक के दिल पे के राज करेला, आपकी कल्पना जी। दोनों आदमी और ताली एक हाथे ना बजेला, जब दो गो हाथ मिलेला ना तब गड़गड़ा के ताली सुनाई देला। हमनी के जब भी दोनों आदमी एक साथ गायक जा तई नजारा रुआ सबके देखे के हमेशा मिली। व्यास जी कहल गई बा हर कामयाब इंसान के पीछे कोनो ना कोनो औरत के हाथ होला, लेकिन आपके पास तो पूरा के पूरा औरत बड़ी। ता जीवन साथी के साथ सात जन्म तक होला, और वो लोग सात घंटा साथ में देख के तकलीफ में आ गए नहीं। चला कल्पना, हमरा तो आपके भविष्य तकलीफ में नजर आ रहा बा, काहे कि रउआ के कल्पना जी पहला बार मौका दे रही ने अपना साथे गावे के, और रउआ बन गई सुपरस्टार। आजो देख ली रउआ अपन गायकी के नैया कल्पना जी के सहारे पार क्वेश्चन बा। व्यास जी अपन पहचान खुद बनावले बानी, हम तो केवल इनकर परछाई हैं। अगर ऐसा बात बात तो व्यास जी खाली आफी के साथ गावे खाती का ऐलान के लिए बढ़े। ये हमार मर्जी बा, का अपना जिंदगी का हर फैसला तोहरा लोग से पूछ के ले। हब फैसला तो हो चुकल बा कल्पना जी ना, बल्कि आप इनकर परछाई हैं। काहे कि परछाई हमेशा इंसान के पीछे चलेला, आखिर कबले औरत के पल्लू पकड़ के चलबा। अपना छोटा जबान के ढेर मोटा मत कर, न तो इतना मारब ना कि मेहरारू के पल्लू तो दूर के बात बा, अपन भगई पकड़ के लायक ना रहबे। समझ ली? चली। अपना चाल चलन पर ध्यान दे साजन साहब, एक रिपोर्टर पर हाथ उठावल तोहरा के भारी पड़ सकेला। साजन साहब हट में रहे, गांव खाले चली। अब कहता नहीं हट में रही जाई। हे हट, ए चल हट रे। एक मिनट मैडम, मैडम मैडम एक लास्ट क्वेश्चन मैडम प्लीज। बम जी ब्लास्ट एकदम सही समय पर भइल बा। का सोचो तानी जी? कुछ ना। जौना छत के रउआ निहारा तनी उहो चार दीवारी के सहारे पे खड़ा बा। ई दुनिया में केहू बिना सहारा के नहीं खे, भक्त भगवान के सहारे बा तो भगवानो भक्त के सहारे बाड़न। ए जी भूल जाई ना वो आवारा कुत्ता कुल के भौकल जे दूसरा की तरक्की देख के अनहरिया आ जाले सन। छोड़ी ना ये सब टेंशन, अब मोहब्बत के कनेक्शन जोड़ी बहुत ही मजा आई। अरे ये बड़ नेक जोड़ी है। हाँ देखी तो भाभी कैसन बा। अरे बड़ नेक। हाँ ठीक बा भाभी, जो जो जरूरत रहे हो तो मिलिए गई ना। हाँ चला चला। चली हो गई शॉपिंग। पप्पू भैया इत साजन के इज्जत के तिजोरी है हो, देखा था रूप के खजाना कितना चमकता। अरे इत स्टार के मेरारू ही हो, चीपरी जैसा थोड़ी रही।
भाभी ई बदतमीज कौन हवे? ऐसन गली के कुत्तन के कोनो नाम ना होखेला। चला देवरानी। का हो भौजी? तहार बस आइल कलौजी हमरा गोले धरत आ हमरा आगे के थरिया काहे खींचतरु? ये ड्यूटी पर जब डबल ड्यूटी होई तब पुरान हिसाब रफा दफा होई। अभी बताओ तनी छोड़ी के ए जाके उठा के लाओ सन। एक कुकुर हमार रास्ता रोके के कोशिश मत कर, तहार हिसाब किताब के नया अकाउंट खोल दे। तब तो और मजा आई। तू कैसे गिनी है हम ऐसे करो? औरत के कमाई पे एगो मौगा ऐस करेला। देखा हवे आपन बाप से जाकर पूछ ली है। कल से निकलिए लाली लिपस्टिक लगाकर। तहारी हरकत के बारे में अगर हमारे पति के पता चल गई ना तो तहार देही के नक्शा बिगाड़ दी है। बिगाड़ब तब हम तोहरा रूप के नक्शा के बक्सा। जान के रूप तो बच गई, लेकिन तोरा रूप के अपना हाई टेम्परेचर धूप में ऐसा जलाई कि तोरा हड्डी के सुरमा बना के तोर बाप अपने आंख में लगा के घूमी। ए मरसन Kick!
हा बेटा ए माई का हा माई हम माना तानी की तू रानी के बेटी की तरह माने लू लेकिन तुहार बेटी ना पतो है पतो आई क्या क्या अकेले मार्केट जाए देवे के छूट देहल ठीक नहीं है तो कहा हम 24 घंटा घरे घुसल रहा हम ये कहा कहा तानी तोरा जाही करला तो तू हमसे बोल रहा तू हम घुमा के लेके आई रहती घूमे ना गेल रहनी जी कुछ जरूरी सामान किने के रहे वही किने गेल रहनी तो हमहू लेके आ सकत नहीं है औरत की कुछ सामान होला ना अम्मा जी जे सिर्फ औरतें किन सकेले अरे बेटा का तू मेहरारू के बीच में टांग अड़ावत हुए हैं दुल्हन ठीक कहत रही जो माई लेकिन तोरो पता हो के चाहिए कि रानी के नैहर ना ससुरा हा लोग यहाँ दूसरा के घर जला के अपन रोटी सेकेला अब सेके चाहे फेंके आई डोंट केयर हम अपन जगह पर बिल्कुल ठीक बानी खिसेल बड़ू का हमर सुगा पंखी ये चुनाई मत हमके कपड़ा उतार दी अरे हमार मेरा रू हमार कपड़ा कहीं उतार सकतिया उतारा तेरा लिखा बेसरम नहीं की हम अरे सुना है हमार सर मिला टाइगर हम जब भी गुस्सा है हमके हमेशा ऐसे ही मनाइब ना हर समय हर पल एक जन्म ना सात जन्म तक मनाए रंगवा से नूरिया जैसन गाल लाल लाल हो अखिया के कजरा तोहार करता सवाल हो जैसे रह जाता हील के सर के लधानी रंग सड़िया सबरिया साजन तोहरा से मिल के सर के लधानी रंग सड़िया सजान हमार तोहरा से मिल के घायल करी बदल के बिजुरिया कर जितना घायल तोहार तिरछी नजरिया खान हो काहे नहीं चेहरा पर
मोहके लरपवा जैसे, मोहके गुलाब जैसे बगिया में खिल के। करे के बा? हाँ, का करे के पड़ी सर? एल्बम बनावे के बा। एल्बम? कल्पना के लेके सोलो एल्बम बनावे के बा। हाँ, लेकिन पैसा के लगाई? हाँ, अब हाँ आज ही तब तो बन जाई। हाँ, जितना खर्चा लगे हम करब। ठीक बा सर। लेकिन एक बात याद रहे। क्या सर? वो एल्बम साजन का भी एल्बम से बड़ हिट होके की चाहिए। हिट हो जाए सर, डायरेक्टर तो हम ही रहब नु सर। सर हम प्रोड्यूसर रहब। ठीक बा, जासन और एल्बम का तैयारी में लग जा सर। हाँ, जय हो दमदम जी, एक्शन एक्शन। बस ये हमारे एल्बम हिट हो जाए, फिर तक कल्पना और साजन का जुड़ी जाए, तेल लगावे। अभ्यास जी मुंह मीठा करी। अरे लेकिन कौना खुशी में समझ ली कि राव ससुर जी भेजौले बड़े। तब तो हम जरूर खाई। अरे हो ए पर तो राव सबसे ज्यादा अधिकार बा। खाई खाई, जितने राव गला मीठ होई उतने हम निकेल बा मीठ होई। वॉइस म्यूजिक कंपनी से तो बात हो गई बा। म्यूजिकल ऑडियो भी आ गई बा। हाँ। बजट भी ठीक ठाक बा। कंपनी 10 लाख रुपया दे दिया। हाँ, अब बस राव सहमति के इंतजार बा। अरे तो काले से रिकॉर्डिंग रख दी। जय हो, जय हो। रउआ कोनो प्रॉब्लम नहीं खेनु? कैसे बात करत रही रउआ? गला के बारे में पूछत रही है। काहे से कि एल्बम के सारा गीतिया तो रउवे नु गावे के बा। दमदम जी, जी काहे की अगर हमार सांस बा तो ब्यास जी हमार धड़कन। हम गायब तो सिर्फ और सिर्फ ब्यास जी के साथे गायब। कल्पना जी, महिला प्रधान एल्बम बा तो आवाज भी लेडीज के न जाई। यही से मतलब न तो हम ब्यास जी के अकेले छोड़ देती। ब्यास जी, कल्पना जी के तनी समझाई ना। हाँ समझाई ना। हम समझा देम कल्पना के। रोल की चिंता मत करी, कल्पना ही गई है। जय हो, जय हो, जय हो, प्रणाम, जय हो, जय हो, जय हो। कैसन बात करता नहीं रवा? हम रवा बिना ना गाई, कह देनी तो कह देनी बस। अरे की कहता तो क्या खेलेगा वे के? हम तोरा सामने रहब ना, तोरा साथे रहब, तोहर परछाई बन के। ठीक बा, रवा खुशी में ही हमार खुशी बा। झुमका झुलनिया हार,
कुमार साहब, आपकी बुद्धिमानी का हरी हरी चरे वाला आपका दुनो घोड़ा हमरा के तो गधा लगा ताड़न सन। पता नहीं कब हमरा के बंसीलाल के फोटो पर फूल माला चढ़ाए का मौका मिली। टेंशन मत ले, बहुत जल्द ही बंसीलाल का फोटो पर फूल माला चढ़े का शुभ संकेत मिल रहा। फिर से हमके झांसा देता नहीं की दिलासा? यकीन दिलावता नहीं, सारा सेटिंग हो गई बा। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड विल गोज टू कल्पना। चीयर्स। लेकिन अवार्ड हमरे बेटी के पहले भी मिल चुकल बा। जाता नहीं, ओ बार जब अवार्ड मिल रहल तो कल्पना हमारे हाथ से मतलब रुआ का हाथ से निकल गए रहनी। लेकिन ए बार जब अवार्ड मिली तो कल्पना हमने का मुट्ठी में रही है। Excuse me, yes. Mr. Sajanlal, ये आपका पहला अवार्ड फंक्शन है। आपको क्या लगता है कि इस साल का बेस्ट सिंगर का अवार्ड आपको ही मिलेगा? बिल्कुल, हर साल मुझे पब्लिक का प्यार मिला है और हमको आशा ही नहीं विश्वास भी है कि इस बार भी पब्लिक का प्यार मुझे ही मिलेगा। जी थैंक यू। हाँ प्लीज कम दिस साइड। कल्पना जी, मैगजीन के कवर पेज के लिए आपका सोलो फोटो चाहिए था। साजन और कल्पना के कुर्सी एक साथ ना होके चले। आ गई प्याजी। नमस्कार, वेलकम वेलकम। अरे रवा लोगी ना और यहाँ? अरे वो गाना ना सुन ले बनी कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा। ई का करता नहीं रहुआ? बस ये कहनी है कि रोलोगिन सच में साया आई कि अभी जिंदा बनी। बड़ी बुद्धा मजाक कनिया महाराज, देहिये थरथरा गिला। आई बेटी, आई ना, आई। ऑटोग्राफ प्लीज। का नाम है? सुहानी सिंह। सर ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू सर। मैम प्लीज सेल्फी। देखिए दर्शक तो भगवान होले। पता ना केकरा पर कौन तिल आ जाए। हम आ गए नी। कल्पना जी, कल्पना जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले चरण की ओर, जो है मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। जी बिल्कुल, और वो लोगन के नॉमिनी बा अखिलेश राय, अजय सिंह और साजन लाल। और ये अवार्ड देवे खातिर हम स्टेज पे बुलावल चाहब भोजपुरी के जानल मानल संगीतकार श्री अविनाश झा घुंगरू जी के। सर प्लीज, आप लोग गेस करी की के हो सकेला ये अवार्ड के हकदार? प्लीज प्लीज गेस करी। सर के और ये अवार्ड जाता है साजन को नहीं अखिलेश को। बहुत बुरा भल ब्यास जी। थैंक यू जोरदार तालियों से स्वागत करी अखिलेश राय जी के।
तो आइए बढ़ते हैं अवार्ड्स के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जी हाँ, लेकिन ओकरा से पहले दुलाई वो कहल जाला ना कि ओकरा के जीते के आदत होइए जाला जकरा के सफलता के शिखर पे पहुँचे के जुनून होला। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड, बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड। जी हाँ, हाँ? और ओकर नॉमिनी बा लोग राधिका जी, सीमा जी और कल्पना जी। जी हाँ, इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वॉइस म्यूजिक कंपनी के चेयरमैन श्री कौशल कुमार जी को। कौशल कुमार जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियों से स्वागत करें सर के। अ बिग अप्लॉज फॉर मिस्टर कौशल कुमार जी। सर, ऑडियंस, एनी गेसेस? बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड गोज टू यस कल्पना। Congratulations. Thank you. Mike? Thank you, Bhima, ये अवार्ड खातिर। लेकिन ये अवार्ड के हम केहू और के साथ बांटल चाहता नहीं। जिनकर ई अवार्ड पर और हमार करियर में अहम भूमिका रहल बा, हम उनकरा के भी स्टेज पर बुलावल चाहता नहीं। और उके हुआ और ना म्यूजिक डायरेक्टर घुंगरू जी बाड़े। जाता नहीं फ्रेस हो गया होता नहीं। अच्छा पार्टनर जी, कल्पना जी के अवार्ड ब्यास जी के हजमा खराब को दहलोस। कल्पना जी ना, बल्कि आप इनकर परछाई हैं। काहे कि परछाई हमेशा इंसान के पीछे चलेला। मैगजीन के कवर के लिए आपका सोलो फोटो चाहिए था। हाँ हाँ, प्लीज मैम, वेलकम। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड गोज टू कल्पना। नीक लगा था ना? हाँ ठीक बा। का ठीक बाजी? जब हमार हर कामयाबी हर खुशी कितना नीक लगेला, फिर वो हसीन लम्हा काहे ना नीक लगल कि रवा हमके अकेला छोड़ के आ गई नी? पता बा हम रवा के ढूंढत रहनी। बस हम बहुत थाकल बनी, तुम आराम करा, कल बात कर जाए। गुड मॉर्निंग। चाय लाल बानी? उठी, चाय।
चाय पी ली? आज चाय के साथ नमकीन ना चाहिए? चाय बाहर भेजवा दो। दमदम जी, कितना देर और इंतजार होखी, बुलवाई ना। हे, बुलाओ ब्यास जी के। अरे 5 मिनट रुकी, अभी दे दे 5 मिनट में। अरे यार, कहाँ से ये दोनों नमूना पाल ले ले बड़े। गुड मॉर्निंग ब्यास जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, तू को चिड़िया खाना से उठा के ले बने का। जा सा सब्जी लेके आओ। ओके बस, बैठी लो, बैठी लो। हाँ बैठी आई। अरे इतना सवेरे सवेरे। अब ब्यास जी, लक्ष्मी भोर हरिया अनहरिया ना देखेली, कल होखे वाला प्रोग्राम के पार्टी पूरा पैसा दे चुकल बिया। लक्ष्मी तो घर के लक्ष्मी के नु देहल जरा। हां ले ले ले। ब्यास जी, कलाकार के जब नाम हो जाला ना, तो पैसा फटाफट आवेला। आ जब से कल्पना जी के अवार्ड मिलल बा, यहाँ के देखे खातिर, यहाँ के सुने खातिर लोग पागल हो गइल बा। और तो और ब्यास जी, पूरा शो हाउसफुल हो गइल बा। कल्पना जी पे तो अब नोट के बारिश होई बारिश। बम बम जी जी, जिंग बरसात सावन में नीक लगेला। जी जी, वही घर के पत्नी घर के आंगन में नीक लगेले। अब कल्पना गाना ना घर समरिए, गाना हम गए। अरे प्यास जी, हमनी के झटका मौत थी। रउआ दोनों बेकत के साथे साटा भइल बा। देखी रउआ साथे अगर कल्पना जी के लोग ना देखी तो मार के मुड़ी कूद दी हमनी के। अब ब्यास जी, हमनी हमेशा राउर कमाई या भलाई के चिंता कैले बानी सन, थोड़ा हमनी पे भी चिंता करी। ठीक बा, लेकिन रउआ लोगिन आइंदा ख्याल रखब, प्रोग्राम हम अकेले ही गए। जी खा कल्पना। जय हो। जय हो। जय हो। प्रणाम। जय हो। ऐसन का हो गई कि हमार गावे में रवा इतराज होके लगन। पहले तो खुद ही कतरानी की गाओ। कल्पना, हर काम के गो समय होला, और अब समय नहीं के। लग गई। हाँ बोला। श्री श्री 108 श्री हंसमुखना जी महाराज नमस्कार। नमस्कार का नटई दबा के चमत्कार का चिट्ठी बचा। महानुभाव, घर में आग लक्ष्मण बा, फिर भी राउर बेटी खामोश बाड़ी। तूफान के पहले का खामोशी बा बम बम। ये आग में इतना घी डाला कि ओकरे धुआं का खुशबू हमारे नाक तक पहुँच जाए। रउआ खुशबू के चाहत छोड़ दी बंधुवर, काहे कि बहुत जल्दी हमनी के लगावल आग के राख राउर माथे पे तिलक बन के चमकी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। आई ए माई। हाँ बेटा। हमारी इंतजार मत करी, आज रात के हम नावे। वो कहे कैसे की गाना लिखे हुए बा, गावे के बा, काल होकर शूटिंग बा। अच्छा तो कुछ खा के जा। अरे हम रास्ता में खा ले। शायद रवा भूल रहल बानी, काला पन स्टेज शो बा। हमारे दास्त आतना कमजोर निके। ठीक बा, तू चाटू फाटू के लेके चल जिया प्रोग्राम में, हो सके तो हम बारे से बारे आए। अच्छा जा। छोड़ी पी
पूनम जी। हाँ। नेकी कैला के इतना बड़ सजा मिली ये हम जानत रहती नू तो चापा कल में कूद के हम अपन जान दे देती। अरे महाराज फोन लगाई इन्हें हार्ट फेल होके वाला बा पता ना ब्याह जी होई है कि ना होई। और कितना फोन लगाई 20-25 बार फोन लगाई ले बानी एक को फोन नहीं के उठावत। अरे कल्पना जी भाई रहे दे बहुत जरूरी मसला चलता तनी रुआ फोन लगा के पूछी ना ब्याह जी कहां बानी। हां चाटू फोन द रहे दे पे पे पे। हां हम आधा घंटे में पहुंच जाए। का भाई का भाई महाराज आधा घंटा और लगे। आधा घंटा पब्लिक उधर टमाटर जूता के बारिश कर दी पिटाई जाए हमने सर। अरे आज मुंह आती है सर बमुखल पड़े सो। चंदन जी एक काम करता नहीं हमने ना ऑडियंस में जाके शामिल हो जाते नहीं केहू पहचानी ना कि हमने के ऑर्गेनाइजर बने। चंदन जी 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 अनाउंसमेंट कराई। हाँ? हम संभालब स्टेज तब तक। रहुआ जय हो जय हो जय हो चला हो। अरे हुजूर अभी आए अभी बैठे अभी दामन ही संभाला है। अभी आए अभी बैठे अभी दामन ही संभाला है। जरा दिल थाम के बैठिए हुजूर क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है। ए अरुण जो धंधा पे लग जो। जी हाँ दिल थाम के बैठिए आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बस थोड़ी ही देर में आपके बीच आ रहे हैं हमारे सुपरस्टार गायक कलाकार मिस्टर साजन और उनका साथ देने के लिए आ रही हैं मिस कल्पना। तो जोरदार ताली होनी चाहिए आपके हाथों की। ताली ना गाली मिली तो के। अरे दोस्तों जरा सा इंतजार कीजिए आपके चेहरे के कलाकार साजन जी बस आ रहे हैं। अरे जल्दी चल सो में जाके लेट होता। हेलो हेलो साजन भैया। हाँ तोहरा माई के सांप काट ले बा। का जल्दी मरते घरे आ जा तू। के बोलता हेलो 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 फोन भी डिस्चार्ज हो गए। चल जल्दी से गाड़ी घुमाओ। रवा लोगिन के कल्पना के प्यार भरा नमस्कार। बहुत जल्द आप लोगन के इंतजार खत्म होके वाला बा और साजन जी बहुत जल्द यहाँ आवे वाला बाड़न। तब तक हम एक गाना आप लोगों के सामने पेश कर रहल बानी। करे आजा हम से मोहब्बत सनम ए दिल बाटे तो हके। अरे ए दुखी आत्मा बंद कर अपना सुनकर वही भूल जा क्या साजन के भेजे। ए कल्पना जल्दी साजन के बुलावा ना तो चप्पल से मार दे ना ना भाई ना साजन के बुला साजन के इसका है बेटा माई का फिर माई। हाँ ठीक तो बड़े ना। हाँ ना ते हमरा से झूठ बोलता रे तोरा के सांप कट ले बा ना। हमरा के? हाँ सांप। हाँ हमरा मोबाइल पर फोन कर लेना कि तोरा के सांप कट ले बा। अरे बच्चों ना कोनो गलत नंबर आए नोखी रे हम तो एकदम ठीक बानी। ना ते झूठ बोलता रे कैसे मन पे नाच के दिखाई रुक ए ए ए अब ठीक। कुछ नहीं भाई बेटा। वाह हमरा बेबसी पर हंसता नहीं कि अपन बेवकूफी पर सवाल करा तरु कि जहर उगले तरु। अमृत पर भगवान के हक होला राहुल आज के इन हरकत के बाद हमरा नजर में इंसानों लायक नहीं की। लगता तो हर दिमाग खराब हो गई बा। अरे खराब तो हमार जिंदगी हो गई बा रवा जैसे जनक मोहन आदमी से शादी करके। अरे तू रही ये तू का बात करता रू। पब्लिक के जूता चप्पल खा के आ रहल बानी अम्मा जी। जब दिल दुखाला तो जापान से खाली सच्चाई निकलेला। अगर हमरा साथे स्टेज शो करे में रवा के शान शर्मिंदा होत रहे तो प्रोग्राम कैंसिल कहीं नहीं करवाईनी। आवे के बोल के धोखा देवे के का जरूरत रहे। रानी तू हमके समझे के कोशिश कर हमारा ऐसा कोनो इरादा ना रहे। हम प्रोग्राम में आवतरा नहीं है। अचानक यहाँ से कॉल चल गए कि माई के सांप काट दे ले बा और हम भागल भागल यहाँ चले नहीं।
मेहरारू के आगे महतारी के प्यार करल बहुत अच्छा बात बा, बाकी मेहरारू के धोखा पे धोखा दे के ओकर बेइज्जती कइल बहुत गलत बात बा। कहाँ कटले बासा, हमू तो देखी। हम एकदम ठीक बानी बिटिया, कोनो रंग नंबर के सही समझ के आगल रहे। हसवा कितनो मढ़ाइल रही, अपने ओरे खींची। देखा रानी, माई से बदतमीजी मत करा। रवा जैसन एहसान फरामोश के तमीज सिखावे के कोनो जरूरत नहीं खे। हम एहसान फरामोश मानी, अपन दिल से पूछी। ए, खुद के गिरवी रख के तोरा बाप के बेघर होके से बचावले बानी। वो हैसियत लायक भी हम रवा के बनावले बानी। अच्छा, जब ते ही सब कुछ के लिए बड़ी तो हम कौल पर माटी चढ़ोले बनी का। साजन जायदा ना बेटा, दुल्हन के एहसान मान ला। मान लेती माई, लेकिन हमके पता तो चले के चाहिए कि हमारे खेती के लिए का भैया। अगर हम न रहती ना तो आज भी स्टूडियो में चाय पियावत रहती और लोगों के जुट्ठन उठावत रहती। ना हमार उस समय किस्मत खराब रहे और ना ही आज वा। थप्पड़ हमरा गाल पे मरनी, बाकी चोट सरस्वती माँ के लगल। जब ना घर में सरस्वती माँ की इज्जत नहीं खे, वो घर में हमें एक मिनट भी ना रह सकेनी। हाँ हाँ, बाप के कपार पर बोझ बनकर रह के शौक पता जा, सरस्वती माँ के बहाना मत करा। बेटा इतना गुस्सा उचित नहीं खे, ये घरे घरे में झगड़ा झंझट ना होला। ऐसा मत करा बेटा, रोक ला दुल्हन के। जाए भाई, पता तो चले कि जौन औरत अपना पति के इतना बेइज्जत करके जाती है, ओकर बाप ओकर कितना इज्जत कराता। नहीं बेटा, दुल्हन। हाँ ली, नमस्कार। हाँ। चमत्कार होखे वाला बा प्रभु। मैं तो भूल गई, पापी पिया का देश, बाबुल का घर प्यारा लगे। अबे तानसेन की औलाद, अबे खाली गईबे की कुछ बताइबे भी। हाँ। सरकार रुआ घर में। हाँ। रुआ घर के लक्ष्मी के आगमन होखे वाला बा। शुभ संकेत मिल गई उन रख। अरे रानी बिटिया तू, अरे बिटिया तुम्हारा आंसू बता रहा बा कि तू अपना खुशी सिया नहीं खेलू। का भेल? हमार खुशी हमार अपने लूट ले लस बाबूजी। रवा से थोड़ा खुशी उधार मांगे आयल बानी। अरे हम ईजा रह सके नी। अरे कैसन बात करत आलू, तुहार घर बा, तुहार घर है। आवा राधे, सामान छोड़ा छोड़ा तू, आवा आवा। बेटी अकेले आ गई लू, दामाजी ना आइलन का काहे? बिना दामाद के बेटी घर ना आ सकेली। अरे हमार कहे की मतलब ये ना रहे, वो कहावत सुन ले बड़ू ना, नैहर 9 दिन के और ससुराल 100 दिन के। बिटिया के असली घर ससुराल होला। का बात बा बेटी, दामाजी से कोनो वाद विवाद भेल? माई तू ही न कहलू कि पति पत्नी एक दूसरे के सान और जान होला। हाँ बेटा, फिर हम वो आदमी के साथ कैसे रह सकेनी जेकर जान हमार शान से जरत होके। वो घर में कैसे रह सकेनी जहाँ औरत पर मर्द हाथ उठावत होके। हमरा के पहले ही शक रहे, जब एगो मयान में दू तलवार न रह सकेला ते एगो छत के नीचे दू गो गायक कैसे रही। आज तुहार आंसू देख के हमार शक सच में बदल गये। ते बचपन के प्यार के दम पर हमार करूर तोड़े वाला आज खुद मकरूर हो गई बा। बिटिया हम समझ गई नहीं कि तुहार स्वाभिमान ही ओकरे अभिमान का कारण बन गई बा। हम अब्बे साजन के फोन करीला। ना बाबूजी, कोनो जरूरत नहीं की, बस इतना बता दी कि हम एक घर में रह सके नी कि ना। अरे का बात करत तारू, ये तो हर घर है, जब तक चाहे रह हमेशा रह। जा जा अपने कमरा में। अरे ई रवा, फिर तो बोले लगलू है, बिटिया के कमरा में लेके जा जा। अब चला जा, जा।
तार सपना अधूरा रह गल बंसी। हम तो हार के भी जीत गई नहीं, अपना बेटी के तो हम संभाल ले। वकील तुहार बेटा का का दशा हुई? बेटा पत्थर मत बन, ना तो हमार ममता शर्मिंदा हो जाए। तुर ममता और मूर्ख मेहरारू के मोहताज नहीं के, जौन तोरा के माई ना सास समझ के ठोकर मार गई। बेटा ठोकर खाए वाला समर जाला, बाकी ठोकर मारे वाला जख्मी हो जाला। जख्म तो भर भी जाला बेटा, बाकी एक बार अगर रिश्ता में दरार पड़ गई जान ले लेला। दरार पड़े से पहले दुल्हन के मना के लिए बेटा। लेकिन भाई हम कुछ नहीं के सुन जा, ना तो तुम्हारे बाबूजी का सपना पूरा होके भी अधूरा रह जाए। मनसी तुहार सपना के महल के शमशान समझ के छोड़ आयल हमार बेटी, और तुहार बेटा के एक एक बूंद आंसू एक एक हथौड़ा के तरह तोरे आत्मा पर चोट करी, और हम उस चोट पर नमक रगड़े। वाह, एकरा के चमत्कार समझी कि तिरस्कार? दोस्त के मार देनी या दोस्ती खत्म हो गई? एगो बेटी के महतारी की नजर से सोचा, जकरा चेहरा पर पसरल मातम चिल्ला चिल्ला कर कहता कि हमारी दोस्त मर गई, और सुना ये हमार और बंसी के बीच का मामला बा। तू जाके रानी के दिखा जा। बेटी जिंदगी के सफर भी अजीब होला, इंसान रास्ता तो भटक जाला बाकी मंजिल मंजिल कब्बो ना भूलेला। बिटिया साजन सांस बन के समाइल बा तोरे धड़कन में, ओकरे बिना तू ना जी पैबू बिटिया। माई जब जिंदगी लापरवाह हो गई तब जान की परवाह का करी? गलत फेमी के पत्थर से अपने आप के मत तोड़ा बेटी, पति ही परमेश्वर होला। ए बेटा एगो बात याद रखा, टूटेला वही जे ना झुकेला। माई टेकरा के तू परमेश्वर कहता रू, वो पत्थर हो गई बा। जी। नमस्ते। बचपन में बाबूजी को सीख देलर ले कि बिलाई रास्ता काटे और जब बाप बेटा के नमस्ते करे ना तो समझ ले धोखा होके वाला बा। लेकिन बेटा बस, अरे वह कुछ कहला की जरूरत नहीं के। राउरी हरकत धोखा के एहसास दिला दे ले बा हमके। लेकिन धोखा का धुआं राउर घर के चूहानी से उठत बा साजन बाबू, जिम्मे हमारे बेटी का दम घुटक पा। अरे हमें को बाप है, अपना बेटी के बरत नहीं की देख सकत। रौरा बाप है तो हम कहू के बेटा है, और अपने बाप के बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की कर सकत। साजन बाबू अरे इज्जत का खजाना तो हमरे
दिल में भरल बा, लेकिन हम मजबूर बन। अरे घर में अगर कचरा रखल जाए तो ओकर गंदगी घर में फैले लागेला, यही लिए घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक दियल जाला। कहे कि कचरा बटोरे वाले बाहर घूमे लंसन। हम ना रानी बेटी कहत रहे, अब रानी के तोरा हर चीज से नफरत हो गई बा बेटा। हाँ ना, घरे में चली, हो सकेला रहुआ के देख के रानी के नफरत प्यार में बदल जाए और तोरा के तलाक देवे का इरादा बदल दे। तलाक? हाँ बेटा, तोरा के तलाक देवे चाहला। देखा ना कैसा दिन आ गई बा, एक लड़की का बाप अपने दामाद से तलाक का बात कर रहा था। चलो ना बेटा, शायद बात बदल जाए। चला बेटा, साजन साजन तू क्या बेटा। बाबूजी, साजन अंदर का ही नहीं आनी है। बेटी, हम लोग से बहुत नहीं हो रहा कहीं नहीं। कैसे कही तोरा से, हमरा के तो समझ में नहीं किया आवत। बेटा, ओकरा के तो तोरा सूरत से नफरत हो गई बा। अरे अब ना तो तोरा से कोनो रिश्ता रखे चाहता, ना हमनी। एकर मतलब हमरा से मिलना आए रहन? ना बेटी, अरे वो तो अपने बाबूजी का फोटो लेवे आल रहे। वो अपन कौनो निशानी हमनी के पास छोड़े नहीं खे चाह। ना ना, ऐसा ना हो सकेला, हमार दमाद ऐसा ना कर सकेला। अरे तो का हम झूठ बोलता नहीं है? चा बिटिया के लेके अंदर जा, जा। चला बिटी। निशाना जब सही जगह पर लागेला तो निशान जरूर पड़ेला साजन। अरे काकी हो, अरे भाई भाई बाबूजी आ गए लीन। काकी हो, बाबूजी आ गए लीन। अमर बाबूजी आ। बेटा, दुल्हन कहाँ बानी? और ये बाबूजी का फोटो? माई, तोहार बहु नफरत के बाढ़ में बह गई, लेकिन हम बाबूजी के निकालिए नहीं। शादी का साथ फेरा लेके साथ जन्म निभावे का वादा कर ले रहनी, और सातवें महीने में तोरा चाहत का चिता जरा देनी। माई, चिता के अस्थि विसर्जन तलाक के गंदा पानी में कल जा। तलाक?
सवा कैसन बाड़ी हमरे जान हो एकागा जाए कागा ले अवसने सवा कैसन बाड़ी हमरे जान जब बढ़ावाली चौकठी से जान हो लागे कि निकल जाई देही से परान हो रोके खाती देले रहता एक कहूँ आवाज हो देखे के दिन बेरी मोड़ के तो कलेज रही थी एक बेरी मोड़ के तो कलेज रही थी बहिया में ले ले रही थी बान हो जाए कागा ले अवसने सवा कैसन बाड़ी हमरी जान हो एकागा कैसन बाड़ी हमरी जान हो आवे के बोल के धोखा देवे के कहाँ जरूरत रहे देखा रानी माई से बदतमीजी मत कर चाय पियावत रखती और लोगों के जुट्ठा उठावत रखती जाने खुशी हमार कहवा पराई गईला के बाद उकर कमी बुझाई दूरी लिखाइल बाटे हमनी के भाग में दोनों जने जोड़ा छन करी जवा सूते लनाही अखिया छन करी जवा सूते लनाही अखिया जगली तो हो खेला बिहान हो जाई का तब्बो तू हमके ना बुलाइबा इतना कठोर हो गई नी कि हमर यादो नहीं खियावत बिटिया जब ना जाके भी चाहत की इजहार हो ना यही के तो प्यार कहल जाला हाँ बेटा हम जाना था नी तू साजन के बिना ना रह सकेलू तू माई हो ना यही से बेटी की बिरह जान ले लूं माई हम के साजन के पास जाए के बा बाबूजी से बात करी हाँ चला चला बाबूजी हाँ बेटी बाबूजी हमार टिकट करा दी टिकट हाँ
हम के साजन के पास जाए के बा उनका हमार गायकी नहीं की पसंद तो हम ना गाई बाकी उन्हें के साथ रहा। हाँ हाँ काहे नहीं अरे बेटी हर बाप चाहेला क्यों कर बेटिया ससुराली में हंसी खुशी से रहे लेकिन बेटा एको देखा कुछ सामाजिक रीति रिवाज होला कहा ना कि तू बियाहे के बाद पहली बार घर आल बड़ तो तोहरा विदाई कराए खातिर साजन के आए के पड़े एक काम करीला हम चल जाइला और समझा बुझा के साजन के ले आई बाबूजी जल्दी जाए ना हाँ हाँ काले चल जाई अब तक खुद बारू ना हाँ चला भाई साहब रानी बिटिया ना आई नहीं तबीयत ठीक बना उनका भौजी जिद्द का गिद्ध आदमी के समझदारी के चबा जाला हम रानी के समझावत समझावत थक गई नहीं बाकी रुतब तू लोगन का नाम सुनते ही बौखला जाला बेटा इलीला ईका दरअसल रानी तू लोगन से कोनो रिश्ता नहीं के रखे चाहला यही से हम ये जरूरी समझ ली कि तोरे वो एहसान का बदला हम चुका दे जौन तू हमने के बेघर होवे से बचाए वदे के लिए डाला ये रखला और ये पेपर पर साइन कर दा कैसन पेपर तलाकनामा रानी तोहरा से रिश्ता तोड़ के दूसर बियाह करे के चाहता भाई साहब कैसन बात करता नहीं रवो रानी की तरह बुद्धि का बैल होगल बनी का अरे केकरा घरे में मरद मेहरारू के बीच में झगड़ा झंझट ना होला लेकिन एकर मतलब इतना ना होला कि रिश्ता रेगिस्तान और बुनियाद बंजर हो जाए बौजी रिश्ता के रास्ते पर चले वाले मुसाफिर जब एक दूसरा से दूर हो जाले तो मजबूरी गार्जियन के मुंह पर मातम जैसन लगेला अगर हम अपना बेटी के खुशी में साथ न दे तो लोग हमारा मुंह पर थूकी हैं हम अपना संस्कार के साथ ना जाए दे दीपेन
बेटा। पर ले जाके अपना बेटी के मुंह पर चिपका दे और मुंह गंदा होके से बचे। धन्यवाद बेटा। और जी, हमार कहल सुनल माफ करिया। रुकी, हमारा खून में खैरात बांटे की आदत बा, रख ली रुआ बेटी के बियाह में दहेज देवे के काम आई। बाबूजी, साजन कहाँ बाड़न? का बात है बाबूजी? घर में सब हालचाल ठीक बाना? वो ठीक बाड़न ना? अरे बताए ना, दामाद जी कहाँ बाड़न? वो अब कब बोना ही है? कौन बात नहीं की, उनाई है तो हम उनका पास जाए, अभी जाए। रुक जा, कौन फायदा नहीं की। अब तोरा खातिर न साजन के दिल में जगह बा, न ओकरा घर में। तोरा के तलाक दे चुकल बाड़ा। अरे आप लोग टेंशन में क्यों हैं? अरे मिठाई बांटिए। गुड न्यूज है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। इतनी कमजोर कैसे हो गई? ठीक से खाना वाना खाती है कि नहीं? आप लोग इसकी सेहत का ख्याल रखिए, तभी तो तंदुरुस्त बच्चा होगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये महुआ है अंगूरी, इसको पीना बहुत जरूरी। पीने वाले खूब पिए चाहे मेरी तक बिक जाए। महुआ है अंगूरी। कारे, टेंशन में हम बनिए और दारू तो नहीं के पिए तरह सा? ये दारू दारू तू पियोगे? ये ले दारू। कतरा कतरा ना, आज तक पूरा समुंदर पिए के प्यास बा।
सेवर्डो ये बता कि मेरा रू में ज्यादा नशा होला के दर रू भैया मेरा रू जोन होले उचें चें 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 ले अबे दारू चें 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 भगावे अमाइल लबदा गिरावे ले आवाज सुना सन लगता क्या कौन हमारे गोलों से रंगीन रस लेकिन जब मुंह में कलम तो पता चला कि ना इतना दारू है चाची एक गल जो जाई बतिया बच्चा मार वहाँ पर तो हैच हैच दारू पिया ले पूरे के पोले तू बेटा मेरा रुख कमी दारू नहीं के पूरा कर सकत वैसे भी दोनों का रिश्ता बचपन से है ऐसे कैसे क्यों खत्म कर सकेला ना भाई सब खत्म हो गया सब ना बेटा कुछ नहीं के खत्म है तीन महीने से बच्चा उसके पेट में पल रहा है मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती और अबॉर्शन में माता पिता की रजामंदी की जरूरत होती है वैसे भी वो बहुत कमजोर है अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसे किसी अनाथाश्रम में डाल दीजिएगा हम आंधी का रुख मोड़ते अब आंधी मौसम लेकिन ये मौसम मोड़े वाला ना जूड़े वाला बा कहेंगी बच्चा अक्सर माई बाप के जोड़ दिला सन हमरा के तब म्यूजिक कंपनी और कल्पना का भविष्य खतरे में नजर आता तो हर खतरा डाले और तोरे म्यूजिक कंपनी बदे कल्पना के गांव के यात्रा के तरकीब हम सोच लेले बने और रहल बच्चा के बाद तो ओकर व्यवस्था हम कर ले ला हमारे बेटा के छोड़ दे दीदी हमारे बेटा हम क्यों के ना दे ये हमार बेटा बेटा अरे बेटा का भइल माई हम एगो सपना देखनी है कि हमारा बेटा भइल बा और हमरे बेटा से हमके केहू दूर कल चाहता छीनल चाहता कहीं सपना सस्ता ना होला माई सपना हकीकत का आईना होला बेटा रानी के गेले वैसे भी कई महीना हो गए कोनो खोज खबर भी ना मिलल उनकर हो सकेला कि उनकर पाँव भारी होके तू एक काम करा कल जाके दुल्हन के देखावा तोहरो मन के शांति मिल जाई हम जाए लेकिन अपने करेजा के टुकड़ा खाती वो काट करेजा औरत खाती ना चाहे ला 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 नमस्ते मालिक घरे तो क्यों ना बा कहाँ गिल बसा भाई हॉस्पिटल में हॉस्पिटल हॉस्पिटल का करे कल्पना मैडम माई बनने वाली बाड़ी माई हाँ कौन सा हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल हसमुख जी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनकी सेहत ठीक नहीं है एक तो वक्त से पहले डिलीवरी होना जच्चा और बच्चा दोनों कमजोर हैं
मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करिए करिए। कहो ये अब सब ठीक हो जाए, भगवान पर भरोसा रख। कहो ये जी, हमरा के तो बहुत डर लगा था। शांति से रहा, समझ लू, जाके बैठो। नहीं, हमरा के ना बैठे के बा। रहुआ के इतना गुस्सा ना करे के रे, देखिए आज का होता। अरे बैठा शांति से, सोचे दम के। अगर ये यहाँ रही तो बच्चा के ठिकाने लगावे मुश्किल हो जाए। सुना? सुन लो ना डॉक्टर का कहली। एक काम करा, घरे चल जा, हम पर्स लिया आए भूल गली जल्दी जल्दी में, जाके कुछ पैसा लेके आवा, यहाँ जरूरत पड़ सके। काहे भूल गई नहीं फिर हुआ? अरे जमा करे के हो पैसा, जा फटाफट। लड़का हुआ है। सुना, हमार बात ध्यान से सुना। हमरे लड़की के बच्चा पैदा भइल बा, ये बात खाली हमरे और तोरे बीच रही। सगर दुनिया के ये पता चले के चाही कि हमरे बेटी के मरल बच्चा पैदा भइल बा, समझ गेलू ना? और पैसा मेरा? तोहार पैसा तोरे तक पहुँच जाए। साजन बाबू, आप यहाँ? हमार किस्मत भले करवट ले ले लोगे, लेकिन हमार समय हमारे साथ चला था। ससुर जी कितना बदनसीब भाई बच्चा, कि एकरा पैदा होते ही रानी पाप समझ के एकरा के दुत्कार देहलिन। एकर मतलब ये हमार खून है? हाँ साजन बाबू, ये तोहरे खून बा। यही से करा के देखते ही रानी का खून खौल जाता। कहां ले जाता नहीं मासूम के? ये बच्चा से जितना नफरत रानी के बा, उतने नफरत तोरा के करा से हो कि यह सोच के हम एकरा के अनाथ आश्रम लेके जाता नहीं। ससुर जी, महतारी का आचरा भले मासूम खाती कफन बन गए लोग, लेकिन बाप के प्यार एकरा खाती अमृत बनी, और बाप के रहते बेटा अनाथ में के हो सकत दी हमरे बेटा के। देखी हमरा के गलत मत समझी साजन बाबू, हम रानी के चित के आके मजबूर पानी। देखी हम अपना रिस्क पर ये बच्चा आपके दे सकत पानी, लेकिन एको शर्त बा। हम अपने औलाद खाती शर्त के हर वो पिंजड़ा में कैद होके खाते तैयार बनी, अपन चाहत तब बताई। हमार ना रानी की चाहता, देखा ये लड़का का परछाई भी वो अपना ऊपर ना पड़े देवे के चाहता नहीं, और न तोहार वादा करा ये लड़का लेके कब्बो तू रानी के पास ना आई बा, ओकरा जिंदगी से हमेशा दूर रह बा। जौना औरत के ममता अनहर हो गई होके, वो हमरा के देखे के काबिल नहीं के। मरते दम तक हमर हरुआ दानी भाई, मरते दम तक हमरा के माफ करिए साजन बाबू। लगा था अपन चरित्र बचावे के चक्कर में लड़का देखे हम गलती कर देनी, खैर कोनो बात नहीं, कुमार साहब से बतिया लेता नहीं। देख ले ये हमारा रास्ता का काटा, कौनो कीमत पर बचे के ना चाहिए। फिनिश। ठीक बा? ठीक बा। जो भैया
छड़ा पकड़ी ना। भैया तनी दूध के बोतल और दूध दे देना। आदमी कहाँ गए? अरे वो तो चल गए। ये भैया बच्चा के देख लो हमरा। नहीं नहीं नहीं। भैया हमरा बच्चा के देख लो। नो नो। भैया एक आदमी और छोटा बच्चा के देख लो का? हाँ ना। भैया एक आदमी के साथ एक छोटा सा बच्चा देखे क्या? नहीं भैया। वो देखिए आपका बच्चा। बेटा ए हम बच्चा पापा ले ले पापा पापा ए पापा अरे ले जा जो क्रिस्टोर बेटा ले बेना ले लेना ले लेना ये पापा पापा वो देख पापा पापा ले 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 आ आ Oh!
हमार बच्चा कहाँ बा माई? माई कहाँ बा हमार बच्चा? बाबूजी कहाँ बा हमार बच्चा? सिस्टर हमार बच्चा कहाँ बा? माई की ममता के साथ खिलवाड़ मत कर, बताओ ना कहाँ बा हमार बच्चा? बिटिया, तुहार बच्चा दुनिया में आए के पहले ही आंख मूंद ले रहे, तोरा के मुअल बच्चा पैदा भल रहे। ना बाबूजी, कहना ही झूठ बा, बाबूजी कहना झूठ बा, बेटा ई तोहर पोता हमाई। अदुलहीन रे माई, हमरा प्रति ओकरा दिल में इतना ज्यादा नफरत बा कि आज अपना कोख से जन्मल बच्चा भी त्याग देलस सिर्फ ऐसे कि हमार अंश। गुरूर और नफरत के आग में कौन औरत अपने ममता की कैसे सुहा कर सकेगी? अरे ना ना, चुप हो जा बेटा, आज से हम ही तो हर माई और हम ही तो हर बाप बनी और हम तो हर दादी। बेटा हमने के जीवन में छायल अन्हारा के ये सूर्या दूर करी, हमार सूर्या। तुहार बच्चा ना है, तुहरा के तो मालूम है कि तुहार लड़का मरल पैदा भल रहे। बात के समझा बेटा, समझा ना बाबूजी। चलो चलो बेटा, अब हमारे का कहाँ बा? कुमार साहब, हम आपके ऑफिस गए रहनी, वहां से पता चलल कि आप शोरूम में बनी। हसमुख जी, आजकल एक बिजनेस से कहां जिंदगी कटे वाला बा, और ऐसे भी जगह खतरे म्यूजिक कंपनी खोल ले रही, उस संगीत से ही नाता तोड़ ले लस। देखी ना, हमने के का सोशल रही और का हो गई, हम कल्पना के लेके बहुत चिंतित बानी। अब कल्पना के आपे के संभाले के पड़ी। हसमुख जी, माना कि कल्पना हमार कमजोरी है, पर लाश का साथ रिश्ता ना निभा जाना, लाश के दफनावल जाना। अब हम कल्पना के अपन दिल में दफना चुकल बने। लेकिन कुमार साहब, लेकिन उकिन कुछ ना, बात खत्म तो खत्म, आज के बाद कबो कल्पना के बारे में हमसे डिस्कस मत करियो। ये हम क्या करते नहीं, अपना छोटा अहंकार में अपने बेटी का घर बिगाड़ते नहीं। हे भगवान, तू ही कोनो रास्ता दिखावा।
कि हम धरती के राजा तू रानी नील गगन के हम साथी जन्म जन्म के हम साथी जन्म जन्म के हम साथी। पापा अगर तू धरती के राजा बाड़ त रानी के है बोलो पापा। माई माई। हाँ बेटा का हो गेल? आजकल पढ़ाई लिखाई पर कम और फालतू काम पर ज्यादा ध्यान देता। हाँ? और अपना उम्र से ज्यादा तो बोलल शुरू कर देलेबा। और आज ही पढ़े का है ना गेला? अब तो इतने की ठीक नहीं कर का बल बैकरा का बल बरे बुखार भइल बा। देखी तो नहीं मतलब आराम करे तो ठीक हो जाए। पापा के काम कर दे बेटा। बेकरा के बिगाड़े में सबसे ज्यादा तारे हाथ बा। गलती से भी कल्पना के दोबारा शादी करने की कोशिश मत कीजिएगा ना। ये मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार है और ना ही शारीरिक रूप से। एक बात और, अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो इसकी बची हुई जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर साहब हमने खाली चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, बस होकर सलामती चाहिए। डॉक्टर साहब एक के गो बेटी भी हमारी, हमने के वो है जिंदगी भी रवा कुछ भी करी ओकरा के ठीक करती। एक उपाय है, मैंने गौर किया है कि वो बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद करती है। आप उसे ऐसी जगह ले जाइए जहां बच्चे ही बच्चे हों, शायद वही सदमे से उबर भी जाए। ऐसा एक जगह बा हमरा नजर में। अरे रुक ना, अरे दूध तो पी ले। ओहो पापा इके है दादी है। ओहो हमार ना दादी है तोहार के है। हमर माई है। फिर हमार माई कहाँ बाड़ी बतावा ना पापा, माई कहाँ बाड़ी? पापा बतावा ना। तुहार माई मर गई बड़ी बेटा। दादाजी के जैसन? हाँ बेटा। सूर्या तू का करे जाता रहा? दादाजी नियन माई के फोटो पे माला चढ़ावे। रह दे बेटा, तू औरत तोरा माला के बाहर सही के लायक नहीं की। हम माला चढ़ाई। हम मना करे हने की माला मत चढ़ाओ। हम चढ़ाई। हम कहता नहीं की छोड़ता। हम चढ़ाई। सूर्या चल। एकर सवाल तो सही रहा, गलत जवाब तो तू देता रहा। दादी पापा माई के फोटो पे माला ना चढ़ावे देलन, एकर मतलब माई जिंदा बाड़िन और हमरे तरह पापा के भी बहुत याद आवेली। तू बस पता बता दे, हम बुला लाई बुनके। बेटा तोहर नान नान गुड़ बा, तू वहाँ ना पहुँच पे बा। दादी तू बस पता बता दे, हम बुला लाई बुनके। बस बहुत जप ले माई के नाम के माला। तोर नाम हम बोर्डिंग स्कूल में लिखवा देले बानी, सोमवार से ते वही जी रहबे और वही जी पढ़बे। छुए छाती फटा था और माई के ममता पर कोयला पड़ गई।
मोरे बाबू हो मोरे सोना हो तोहरे से बांजोर चारो कोना हो। सबका से नीक बाड़ा पापा हमार हो सबका से नीक बाड़ा पापा हमार तब याद आवतिया मम्मी हमार तब याद आवतिया मम्मी हमार सबका से नीक बाड़ा बाटे फीका मम्मी बिना के करी काजर औरी टीका बोला ना ए पापा तोहरा के देखते ए पापा रूप हमार खिलेला मम्मी के दुलार प्यार तोहरे से मिलेला तू ही ता बाड़ा हमार जिए के दादी ओंगी नहीं के लागत कोनो कहानी सुनावा ना। अच्छा आज तरह के कहानी सुनावे का हमरो मन में बहुत लालसा बा। सुनावा। एगो राजा रहना और एगो रानी रहनी दोनों जाने बचपन में ही बिछड़ गई ना। फिर का भेल दादी? फिर राजा जब बड़ भई ना तो रानी के खोजे का कसम खेना। फिर राजा रानी के खोजे खातिर गांव छोड़ के शहर गए ना जहां उधर बदर भटके लगले। रानी मिल गईली? हाँ बेटा रानी मिल तो गईली बाकी एक दूसरे के लोग पहचान नहीं बोले। काहे? कैसी पहचान था दोनों जाने तो बचपन में ही बिछड़ गए रहले और जब मिलने तो काफी बड़ा हो गए रहले। बाकी राजा के पास एगो निशानी रहे रानी के पहचाने का उनकर बचपन का फोटो। फिर दोनों जने में पहचान ना भइल? अंत में हो गई। कैसे? गाना से। गाना से? गाना से जौन गाना वो दोनों जने बचपन में गावत रहना ना वो ही गाना से। और जब रानी वो गाना सुन ली तब उनके समझ में आ गया कि उनकर आपन राजा हुआ। कहानी खत्म? ना बेटा फिर दोनों जाने का ब्याह भइल। हाँ। और रानी एगो सुंदर राजकुमार के जन्मदिन। लेकिन गलत फहमी का ऐसा नाम दे चला फिर से दोनों जाने बिछड़ गए। फिर कैसे मिला लोलो? ये तो हमरा के नहीं पता बेटा लेकिन हम ये जरूर जाना था ना कि वो राजा रानी और राजकुमार के है। के है दादी? बेटा
बाबू राजा तो हर पापा, रानी तो हर मम्मी, और वो राजकुमार तुम हो बेटा। तू रोवा मत दादी, हम वादा करतानी कि ई राजकुमार दोनों राजा रानी के मिलन जरूर कराई। बेटा यह तो स्कूल कैसा लगल? ओहो पापा, जब पढ़ाई हुई तब ना क्वालिटी पता चली। स्मार्ट बॉय। हेलो बेटा, यह मैडम खुशबू तुहार मिस। नमस्ते मिस। नमस्ते मिस। मिस प्लस किस इक्वल टू किस मिस। नॉटी बॉय। बेटा हम यहाँ तोरा का अकेले छोड़ के जाता नहीं, तो के तकलीफ नहीं के हो का तू अकेले रह जीवा। ओहो पापा, तू हमार खुशी खातिर इतना तकलीफ उठावेला और हम तोरा खुशी खातिर इतना तकलीफ ना उठा सके नी। अब हम बड़ हो चुकल बानी, हम अकेला रह जाए। ठीक बा बेटा, अपन ख्याल रखिए। बाय पापा, तू हो अपना ख्याल रखिए। बाय बेटा। बाय। कम बेटा। बेटा अभी आप अपने हॉस्टल चले जाओ। ओके। आपकी क्लास कल से होगी। ओके मिस। दिल पार्क पार्क हो गया। आई लव खुशबू, आई लाइक खुशबू, हाउ इट इज खुशबू? आई एम फाइन सर, एकदम टकाटक। नॉट यू, इस गुलाब का खुशबू बेबी। ओके बुढ़ा, प्रिंसिपल नहीं होता तो इसे जरा सा भी लिफ्ट नहीं देती। आई लव यू खुशबू। ओ सर, सेम टू यू। नो नो, नॉट यू बेबी, इस गुलाब का खुशबू। ओके जाके किसी गुलाबों को ढूंढो ना, मुझ पे क्यों लाइन मार रहे हो? डार्लिंग, आई एम साइलेंट लवर। ओके स्लो पॉइजन की तरह स्लोली स्लोली दिल को डैमेज करता हूँ। ओके आई लव यू। आई, मैं बूढ़े लोगों को आई लव यू नहीं बोलता हूँ, सॉरी। हाँ अब ये सिर्फ लव यू ही होगा या फिर पढ़ाई भी होगी। मेरा क्लासरूम किधर है? ओके ओके बेटा, तुम्हारा क्लासरूम उधर है। ओके गो टू योर क्लास। ओके ओ माय गॉड, वेरी डेंजर बॉय। सरस्वती माता, मैंने पापा से कह तो दिया है मैं अकेला रह लूंगा, लेकिन मैं पापा के बिना नहीं रह सकता हूँ। आप तो सबकी माँ हो, आप प्लीज मुझे मेरी माँ से भी मिला दो ना सरस्वती माता, प्लीज। देखा हमारे दोस्त का स्कूल आई। मम्मी, लगता है मम्मी पापा से नफरत करती हैं। अगर मैंने उनको अपने बारे में जाके बता दिया तो शायद वो मुझसे बात भी नहीं करेंगी, तो फिर मैं उनको पापा से कैसे मिलाऊंगा? और दादी से जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको पूरा कैसे करूंगा? लगता है कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया। हसमुख मेरे यार, रुखी दस यार, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मेरे दोस्त। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और सब ठीक ठाक है? भाई बिटिया नहीं दिखाई दे रही है। तू केहू के खोजे दारों का मम्मी। ओ सॉरी सॉरी आंटी। हाँ बेटा, अपन बेटा के है तुहार बेटा। तोहरे जैसन हुई। लेकिन हम तुहार बेटा कैसे हो सके नी, हमार तो सिर्फ पापा है, हम तो अपन पापा के बेटा है। वही तो बड़ी पता नहीं कौन बच्चा क्या अपन बच्चा समझ के बतिया बता रही। ओ यार, बच्चा किसी का भी हो, बेटी तो अपनी है। बस किसी भी हालत में अपनी बेटी ठीक होनी चाहिए। हाँ, हाँ भाई साहब, राव और मुंह में घी सककर भगवान करे हमारी बेटी जल्दी ठीक हो जाए।
चलिए आइए अंदर चलते हैं। अरे गाड़ी में कुछ सामान पड़ा। अरे यार गाड़ी में सामान है तो चपरासी को भेज कर मंगवा लेंगे। आइए आइए भाभी जी आइए चलिए। अरे आइए चलिए तो। अरे भाई बेटी आ जाएगी तो मिलबो हमारे पापा से। मिलब बाकी तू हमार दोस्त बनबा। दोस्त दोस्त हाँ बने ठीक बा। हम अपन पापा के फोन करके बुला लाई। ठीक बा। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा हम रहुआ के अपन एक खास दोस्त से मिलावल चाहता नी। बहुत है खास दोस्त। अच्छा लेकिन बेटा हम रिकॉर्डिंग में बनी। आ जाए ना प्लीज और आते वक्त हमार माउथ ऑर्गन ले आए। ठीक बा बेटा हम ले आए। ओके पापा थैंक यू। बाय बेटा। सर को चाहिए का माउथ ऑर्गन बा का। हाँ बा दे दी। ले आओ तनी। माउथ ऑर्गन बा एक गो बा तो हम कहा दू गो मंगले बनी पैक कर दी। पर इता इनकरा का दे दले बनी। ऐसे टुकुर टुकुर का देखा था नहीं। हम मंगने है ना दे दी। एक्सक्यूज मी माउथ ऑर्गन हम अपने बेटा खाती पसंद के लिए बनी। ओ, बेटा गुड तो ओसे का भाई एपर और नाम नहीं लिखल। ई हमके आपन बेटा खाते चाहिए दी। अचानक बेटा खाती इतना ममता। जे आदमी अपन पत्नी के ना समझ पावल वो माई की ममता का खाक समझी। हाँ समझदारी के सगरी दुकान जब तू ही रख ले भाड़ू तो वही के संभाला। दी सेठ जी हमरे के दी। ऐसे कैसे हम के चाहिए माउथ ऑर्गन। ई ली पैसा कितना भाई। ठीक बस सेठ जी इन्हीं के दे दी। कहे के दिल जोड़े के हुनर इनका लगे तबाना। वैसे भी हम अपनी बेटा के प्यार से पल्ले बानी। खिलौना सेना मुझे नहीं खेलना तुम लोग जाकर खेलो। ठीक है। ना पापा आईले ना मम्मी आईले केहू के हमार चिंता नहीं थे। सॉरी चॉकलेट माउथ ऑर्गन कहाँ बा बेटा। हमाउत रहने तो रास्ता में हमारे को बिलाई रास्ता काट दलसिया। यही से तो हर माउथ हरगन लेकर ना पैनी है। नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा तार दोस्त का आवा ओही के तो इंतजार करता नहीं पापा। बेटा हम आपस शूटिंग छोड़ के आयल बनी और हमार गैल बहुत जरूरी बा। तोहरा दोस्त से हम संडे के मिल ले। संडे के स्कूल बंद रहेला पापा। ओहो प्लीज बेटा थोड़ा सा संभाल ला। ठीक बा। हाँ। संडे के हमार स्कूल के पार्क में आ जाई हा। हम अपन दोस्त के बुला लाई। डन डन। अब जा तुहार क्लास शुरू हो गई बा। मुआ, मुआ, मुआ। बाय बाय बेटा। बबुनी बाड़ू बहुते हाथ तो हर नहीं खे जवानों काट।
पढ़ाने वाली हूँ, द रिलेशन ऑफ चाइल्ड विथ मदर एंड फादर, मतलब बच्चे का माता पिता से रिश्ता। एक्सीलेंट मीरा। यस मिस। व्हाट इज फादर? पिता पागल पपीता जैसा होता है। साइलेंस साइलेंस। या बेबी, मेरी मम्मी कहती है पिता पागल पपीता जैसा होता है, जो अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए खुद को कमजोर और खोखला कर लेता है। वंडरफुल, क्लैप फॉर मीरा। तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक कहती है। वैसे माँ क्या होती है, कौन बताएगा? सूर्या। माँ। बोलो बेटा। माँ, लेकिन मेरी तो माँ है ही नहीं। सॉरी बेटा, बट तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा कहते हैं मेरी मम्मी मुझसे नाराज होकर चली गई। नहीं बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। अगर पापा पपीता होते हैं तो माँ मेवा होती है, जिसकी ममता कभी खत्म नहीं होती। माँ वो होती है जो अपने आंखों में दुख का दरिया समेट कर भी अपने बच्चों पर खुशियां बिखेरती है। माँ वो होती है जो मरने के बाद भी अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है। तो बन बा हमारी अच्छी वाली माँ। गिफ्ट ई कहा? ई माउत और गनबा तरह खातिर गिफ्ट। थैंक यू मम्मी। वेलकम। नॉट वेलकम, जा हम तोरा से बात ना करब। का भाई लमरा राजा बेटा के? पापा लंच टाइम में आके हमरा से मिल लेलन, तू लंच टाइम में काहे ना आइलू? सॉरी बेटा, एगो ऐसन मनहूस शक्ल से मिल गई नी की गाड़ी के टायर पंचर हो गए, यही से ना पवनी। सच्ची मुच्ची? ओके, संडे के पापा आवे के प्रॉमिस कैले बारन। तू स्कूल पार्क में हमार इंतजार करी है, हम बुला लाए पापा के। ठीक बा। और अगर तू ना आइलो तो हम तोरा से कबो बात ना करब। ना बेटा, हम ना टाइम से पहले आ जाए। ठीक। सूर्य अभी तक आए ना आए। तू यहाँ का करता रू? ये पूछे कि हक रवा खो चुकल बानी। हक लिहल ना दिहल जला। खैर छोड़ा, तुहार का हलवा एकदम मस्त। और राउर बेटा के? एकदम हमारा पगल बा। भगवान करे खाली शकल ही गईल होके, अकल ना। ठीक बा, कबो फुर्सत में तोहरा के मिला। आपन अकल उकरा के दे दिया।
हम कहे दे आपन अकल राउर बेटा के। हाँ ऐसे भी तोरा से कुछ पावे की उम्मीद नहीं है, वैसे यहाँ केकर इंतजार करा था बाकी हूँ खास। और रवा हम जेकरा के दिलो जान से चाहिले जे हमारा दिल के धड़कन बा ओकर इंतजार करा था नहीं। अब यो दिल बार रवा लगे सुनबू तभी वो दिल के धड़कन तो के सुनाई थी। बड़ा ताजुब होता कि दूसरा पर बिजली गिरा वाला अभी वो बिजली के चमकला से डराता। बिजली के गिरब लेबा आपन जमीर से पूछी हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया इन लोगों ने, अब कौन सा आइडिया सोचूं? आई लाइक खुशबू, आई लव खुशबू। खुशबू जी मिस्टेक से कंफ्यूज आइए मत, हम आपसे ही टॉकिंग कर रहे हैं ओके? ओह हमसे? यस। खुशबू जी कभी कभी बच्चों के प्रिंसिपल से भी टॉकिंग कर लिया कीजिए, आपका वैलिडिटी और बैलेंस दोनों मेंटेन रहेगा ओके? गुलाब जी टेल मी आपका सिग्नल बहुत वीक हो गया है, टावर का रेंज बढ़ाइए तभी इनकमिंग और आउटगोइंग का लाभ मिले ओके? इसी गैलरी में जाके दिखा दूंगा। आप नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो क्लास में चलते हैं। आजा 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 बेटे। पता है प्रिंसिपल क्या बेटा, मुझे आज पता चला कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी सिंगर है। अरे बेटा ये तो मुझे पहले से पता है। वो तो आपको पता ही होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा क्या? कि मेरी मम्मी ने चिल्ड्रंस डे पे गाने के लिए हाँ कर दिया है। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक बेटा। थैंक यू। अच्छा अंकल कोई मेल सिंगर भी आने वाला है ना? ऑफ कोर्स आने वाला है। कौन है वो? बेटे वो तो सरप्राइज है, सरप्राइज। वो तो तुम्हें स्टेज पर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ वो गाना गाने वाला कौन है। हाँ सरप्राइज। ओके कम ऑन। ओके हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सूर्य प्रताप आप सबका ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। टीचर टीचर आज ना कुछ कहना है हमको, आज हम खूब मौज उड़ाएंगे। पूरे साल सुन ली आपकी, आज हम अपनी बात सुनाएंगे। और इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम सब बच्चों की हौसला अफजाई और इस पूरे कार्यक्रम को संगीतमय बनाने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ मशहूर फीमेल सिंगर कल्पना जी को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कल्पना जी। और आप लोगों को ये जानकर और भी खुशी होगी कि इस कार्यक्रम को और भी संगीतमय बनाने के लिए कल्पना जी का साथ देंगे भोजपुरी के स्टार सिंगर और मेरे फेवरेट साजन लाल जी। बेटा माइक दे। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आप सब से क्षमा चाहती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं गा सकती। क्योंकि जो इंसान संगीत की भावना की कद्र ना करे मैं उसका साथ नहीं दे सकती। सॉरी सूर्य,
अरे कल्पना जी प्लीज रुकिए, प्लीज कल्पना जी प्लीज। सॉरी सूर्या। हम साथी जन्म जन्म के।